पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सैयद जफर इस्लाम ने मुरादाबाद जिले में पार्टी के कार्यक्रम सेवा ही संगठन के तहत जरूरतमंदों के बीच रहकर राहत सामग्री का वितरण किया और वैक्सीनेशन सेंटर और कोविड कमांड सेंटर का मुआयना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सेवा का कार्य सेवा ही संगठन कार्यक्रम कर रही है। ये कार्यक्रम पूरे देश के 1 लाख गाँव में चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता घर घर जाकर कोरोना महामारी से बचने के विषय पर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कोरोना से बचे रहने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता सैनिटाइजर, फेस मास्क, फेस शील्ड, दवाई सभी चीजों का वितरण कर रहे हैं। जिन गरीब लोगों के रोजगार पर इस कोरोना महामारी की वजह से असर पड़ा है, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। साथ ही उन्हें सूखा राशन भी दिया जा रहा है, ताकि आगे भी उन्हें खाने पीने में कोई दिक्कत ना आए। पिछली सरकारों ने उन्हें कभी सही से 370 के बारे में उसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है वो बताया नहीं। सिर्फ उनको नुकसान बताया और 370 जाने की वजह से क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। अब उनको से फायदे फायदे हैं। अब मैं इंटीरियर में एक नहीं अनेक जगह गया इंटीरियर में, अब हर जगह लोग खुश हैं कि 370 घटा हटा तो अब वहाँ की सरकारी निज़ाम से जो भी स्कीम से वेलफेयर स्कीम से फ़ायदा होता है वो सीधे हमारे पास आता है। भाजपा को वहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो आइडेंटिफाइड 40-50 बचे हैं जो टेररिस्ट, उतने ही बचे, पहले हज़ारों हज़ार रात में आते थे, 40-50 टेररिस्ट हैं। कोई आज जो बंदूक उठाता है उसके 1 महीने से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहता। अब ऐसे मतलब आप अगर टेररिस्ट बने 1 महीने से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी नहीं है, कैसे बने। अब 40-50 बच्चे हैं और वो भी आप समझिए कि इट्स अ मैटर ऑफ 3-4-5 महीने में ये सारा समाप्त हो जाएगा। अब कोई टेररिस्ट बचेगा नहीं, कि अब वहाँ के यूथ को भी समझ में आने लगा है कि टेररिज्म उन लोगों को गलत तरीके से जो है बहकाया जा रहा था, अब उनसे वो निकल चुके हैं। वहाँ ये बात सही है कि बीजेपी कार्यकर्ता एक दो लोगों की पहले भी मौत हुई है, मुस्लिम कार्यकर्ता थे पंडित, और इसको कलर मत दीजिए, इस वहाँ मुस्लिम कार्यकर्ता के पूरे परिवार को उड़ा दिया गया था। लेकिन वो 40-50 हैं ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर अमन कायम हो। आज बीजेपी नहीं चाहती वहाँ पर अमन कायम करना चाहती है, वो उसके दुश्मन है, वो टेररिस्ट हैं, इसलिए वो बीजेपी के कार्यकर्ता को टारगेट करते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, वहाँ के DGP, वहाँ के आर्मी, वहाँ के पुलिस में सब बड़ी सख्ती से निपट रहे हैं इसको, और ये जो टेररिस्ट जो जिसने सरकार को एग्जाम दिया है वो ये इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज हियर एंड देयर, लेकिन वो उसको ज़रूर उसको निपटा रहे हैं। रमेश राम जी, एक वो नागरिकता कानून वाला है, वहाँ से कांग्रेस का दल है आसाम से, वो पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट नागरिकता कानून के खिलाफ, कहेंगे ये जो बातें वो कहते हैं वो कानून है, कानून तो बन चुका है और उसका फ़ायदा जो है वहाँ की जनता को होगा, वहाँ जो घुसपैठिए को रोकने के लिए किया गया था। तो अब इस पर डिबेट होने वाला है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।